हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट में। एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर है दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से आ रही है बड़ी अपडेट। आरएएस भर्ती 2018 को लेकर के मिल रही है बड़ी खबर। आरएएस भर्ती 2018 को लेकर के आरपीएससी फुल कमीशन की बैठक में आयोग ने लिया बड़ा फैसला। आयोग को मिली विधिक राय, अब क्या करेगा आयोग आगे, बड़ी अपडेट आ रही है सामने। क्या आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 जाएगी आगे, पूरी ऑफिशियल न्यूज बिंदु और आपको यहां पर ऑफिशियल सूत्रों के आधार पर बताई जाएगी दोस्तों। तो ले चलते हैं सीधा आपको अपडेट की ओर और मुखातिब करवाते हैं आज की इस बड़ी और लेटेस्ट अपडेट से। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के पास में जो बेल आइकन है, घंटा का निशान, इसे जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको इसी प्रकार की आने वाली विभिन्न अनेक भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स के नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में पहुंचकर मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। तो दोस्तों चलिए ले चलते हैं आपको बिना देर किए आज की इस बड़ी और लेटेस्ट भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट की ओर। हाँ, तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आरएएस परीक्षा पर आज निर्णय। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। ले चलते हैं सीधा आपको न्यूज की ओर। दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर में अजमेर से न्यूज प्रकाशित हुई है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 की प्री परीक्षा का परिणाम दोबारा जारी करना है या राजस्थान लोक सेवा आयोग हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील करेगा, यह बुधवार को आयोग अध्यक्ष दीपक उप्रेती की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में तय हो जाएगा। हाईकोर्ट ने गत 23 अप्रैल को आदेश जारी कर दिए थे कि आरएएस प्री परीक्षा के प्रश्न संख्या 11 और 22 को डिलीट कर परिणाम नए सिरे से जारी किया जाए। पिछले बुधवार को आयोजित फुल कमीशन की बैठक में तय हुआ था कि आयोग इस मामले में विधिक राय लेगा। आयोग के पास विधिक राय आ चुकी है। चूंकि 25 और 26 जून को आरएएस 2018 मुख्य परीक्षा होनी है, इसलिए आयोग को इस मामले में जल्दी निर्णय लेना है ताकि मुख्य परीक्षा की तिथि आगे न बढ़ानी पड़े। 22,760 अभ्यर्थी हुए थे उत्तीर्ण। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी प्री परीक्षा 2017 पदों के लिए आयोजित की गई थी। आरएएस प्री परीक्षा 2018 का परिणाम आयोग ने गत वर्ष 23 अक्टूबर को जारी किया था। इनमें 15,615 अभ्यर्थी उस समय उत्तीर्ण हुए थे। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। अनेक प्रतिभागी जिस प्रकार पूछ रहे थे कि सर अब कब तक अपडेट आएगी और कब तक आरएएस परीक्षा की मुख्य परीक्षा को लेकर के जो निर्णय होना है वो कब तक होगा या रिजल्ट रिवाइज होगा या इसके लेकर के कोई निर्णय कब सामने निकल करके आएगा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं आरपीएससी से बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है। जिस प्रकार आज बुधवार को यानी कि दीपक उप्रेती जी जो कि अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी अध्यक्षता में होने वाली आज फुल कमीशन की बैठक में ये निर्णय ले लिया जाएगा और आप सभी को जैसे ही जो निर्णय लिया जाएगा और जो अपडेट मिलेगी आप सभी को सबसे पहले सारे यूट्यूब चैनलों में सबसे पहले आपको यहाँ पर मुखातिब करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के पास में जो बेल आइकन है, घंटा का निशान, इसे जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको इसी प्रकार की आने वाली विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स के नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में पहुंचकर मिलते रहे और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए दोस्तों। जिस प्रकार हम आपके लिए हर संभव और भरसक प्रयास करते हुए वैधानिक सूचनाओं का संप्रेषण सबसे पहले आप तक कर रहे हैं दोस्तों, तो आप इतना सा कर दीजिएगा। और यदि वीडियो और अपडेट आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो और अपडेट को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागियों को अपडेट मिल सके और ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी अपडेट से मुखातिब होते हुए लाभान्वित हो सके। तो दोस्तों धन्यवाद, आपका ये छोटा सा प्रयास हमें बेहतर से और बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करेगा, हमें हमारे वीडियोस में नवाचार लाने के लिए प्रेरित करेगा और हमें हमारे मनोबल में वृद्धि करता हुआ प्रतीत होगा। तो दोस्तों धन्यवाद, एक नए वीडियो, नई अपडेट और नई ऊर्जा के साथ फिर जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।